जे मेरा सवाल है कि जो मोबाइल फोन में जो निकाह करते हैं, अगर कोई ऐसे मसले की वजह से वो निकाह तोड़ना है तो वो कैसे किया जाए, जैसे कि खुला लेना है तो। देखिए, मैंने मोबाइल के जरिया से निकाह करने के लिए बुनियादी शर्त ये बताई कि उसमें धोखाधड़ी का इम्कान मौजूद ना हो। अगर धोखाधड़ी जैसी कोई बात हो सकती हो तब ये निकाह करना सही नहीं होगा। अगर उसको साफ और शफाफ तरीके से पुरमुतमईन अंदाज में उस निकाह को किया गया है तो वो निकाह वैसे ही होगा जैसे हम आमने सामने बैठ करके निकाह करते हैं। तो जब वो निकाह वैसे ही हो गया तो जाहिर है फिर उसमें तलाक और खुला का मसला भी सेम होगा जैसे दूसरे निकाह में होता है। ऐसा नहीं कि ये निकाह टेलीफोन के जरिए से किया गया है तो इसमें तलाक का या खुला का तरीका कुछ और हो जाएगा। ये सेम निकाह है लिहाजा तलाक का तरीका भी सेम होगा जैसे सारे निकाह में होता है। जी शेख, जो निकाह हुआ है वो मिला नहीं है कभी, सो उसको क्या किस तरीके से क्या होता है, मतलब समझा दीजिए। जी शौहर और बीवी कभी मिले नहीं है जी और उससे पहले वो लोग तलाक करना चाहते हैं आपस में। अब अगर शौहर तलाक दे रहा है तो उसका तलाक देना भी जायज है। बीवी खुला का मुतालबा कर रही है तो उसका खुला का मुतालबा भी अगर माकूल उज्र है तो उसके साथ जायज है। अगर किसी ने टेलीफोन के जरिया से निकाह पढ़ाया, सही तरीके से उसका निकाह हो गया, अब वो दोनों आपस में तलाक लेना चाहते हैं तो उसका वही तरीका है जो आम हालात में है। शौहर अगर तलाक दे रहा है वो टेलीफोन के जरिए से तलाक दे या लिख करके तलाक दे या वहां पर जा करके तलाक दे, लेकिन अभी चूंकि उसकी मुलाकात नहीं हुई है अपनी बीवी से, अब यहाँ पे एक मसला तो महर का आता है। अगर निकाह पढ़ाते वक्त महर मुतय्यन था तो ऐसी सूरत में उस औरत को आधी महर मिलेगी, और अगर महर मुतय्यन नहीं था तो उस औरत को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये मसला इंशाल्लाह जब हम महर के मसले पर इंशाल्लाह हो सकता है अगली स्ट्रीम में या उसके बाद की स्ट्रीम में बात करें तो और भी तफसील से हम इसको वाजे करेंगे। अगर महर मुतय्यन है निकाह पढ़ाते वक्त तो वो आधी महर देगा अगर मिलने से पहले तलाक दे रहा है, और अगर महर महर मुतय्यन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं पाएगी वो औरत, जैसा कि कुरान करीम की सरीह आयत है। तो उस औरत को वो जो मर्द शौहर है उसका वो कुछ माल दे देगा, उसको मुता कहा जाता है, कुछ माल दे देगा अपनी हैसियत के मुताबिक उसके तालीफ कल्ब के लिए। तो ये तो महर का मसला हो गया। और दूसरा मसला है इद्दत का, तो वो शौहर चूंकि अभी अपनी बीवी से मिला ही नहीं है लिहाजा तलाक देने के बाद उसकी बीवी फौरन अलग हो जाएगी, उसके ऊपर कोई भी इद्दत वाजिब नहीं है, वो फौर उसके ऊपर इद्दत है ही नहीं। जी, लेकिन जी यहाँ शेख, पर खुला अगर का मसला शोहर उन्होंने पूछा, अगर खुला लेना चाहे तो। जी जी देखिए, खुला अगर लेना, खुला लेना चाहें, देखिए तलाक शौहर की जानिब से होता है, खुला औरत के मुतालबे पर होता है, और तलाक में ऐसा जरूरी नहीं है कि औरत कहेगी कि मैंने तलाक कबूल किया तब तलाक होगी, तलाक शौहर ने दे दिया तलाक हो गई, लेकिन खुला में औरत मुतालबा करेगी अगर उसके पास माकूल उज्र है तो, और फिर शौहर कबूल करेगा। ये दोनों में फर्क इसलिए है कि खुला के अंदर एवज होता है, जब औरत खुला लेगी तो उस औरत को उस खुला के बदले में शौहर को कुछ देना पड़ेगा, चाहे वो जो महर है वो महर दे या बहरा जिस पर भी उन दोनों का इत्तेफाक हो जाए, महर से कम रकम पर या महर पर या महर से ज्यादा रकम पर, उन दोनों का आपस में जो भी इत्तेफाक हो जाए उतनी रकम वो बीवी अपने शौहर को अदा करेगी। तो गोया कि इस मामले के अंदर एवज है, और हर वो मामला जिसमें एवज होता है उसमें तरफेन की रजामंदी जरूरी होती है। तो जब वो औरत खुला का मुतालबा करेगी तो उस शौहर की रजामंदी जरूरी है, और उसे कहना होगा कि मैं तुम्हें खुला दे रहा हूं या मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, और वो जो रकम जिस पर इत्तेफाक हुआ है वो रकम वो जो है बीवी अदा करेगी। इस तरह से खुला हो जाएगा, जिस पर इंशाल्लाह जब हम तलाक और खुला के मसाइल पर आएंगे तो और भी तफसील से बात करेंगे। अब खुला जैसे के अगर बाद देखिए, खुला के बाद जो इद्दत का मसला है, अगर वो मियां बीवी अभी मिले नहीं है तो कोई इद्दत नहीं है,
और अगर मिलने के बाद खुला हुआ है, मियां बीवी के मुलाकात के बाद खुला हुआ है, तो ऐसी सूरत में उस औरत को अगला जो अगली माहवारी आने वाली है उस माहवारी तक उसकी इद्दत होगी, सिर्फ एक माहवारी, जबकि तलाक में तीन माहवारी उसकी इद्दत होती है। जी बहन आप कुछ कह रही थी। जी शेख, अगर शोहर राजी ना हो खुला में भी तो क्या कर शेख? शोहर राजी नहीं, देखिए अगर शोहर राजी नहीं है तो उस औरत को हक है कि वो काजी के पास जाए। अगर आपके पास इस्लामी कजा है तो आप वो औरत उसके पास जाएगी, काजी के पास। अगर वहां पर इस्लामी कजा का कोई इंतजाम नहीं है तो कोर्ट भी जा सकती है, या मान लीजिए दोनों खानदान के जो सरकर्दा लोग हैं उनके पास जा सकती है। अपना कजिया वो किसी ऐसे जिहा पर पेश करेगी जो उसके मामले में फैसला करे। देखिए अगर शरीयत ने शौहर को तलाक का हक दिया है तो बीवी को खुला का हक दिया है, और उसे ये उसको हक नहीं पहुंचता है कि अगर बीवी के पास माकूल उज्र है और वो इनकार करे, उसे देना ही होगा, चाहे अपनी मर्जी से दे या बाद में कोर्ट कचहरी में जाकर के दे, उसे देना है। यहां तक कि अगर वो इनकार कर रहा है वहां पर भी, तो जो काजी है वो फैसला कर देगा कि खलास मैं फैसला करता हूं कि इन दोनों के दरमियान निकाह को फस्त किया जा रहा है। जी शेख, अगर शोहर दूसरे देश में है, एक ही देश में नहीं है, तो इस हालत में कैसे काजी? इस हालत में दोनों दोनों खानदानों के जाहिर है कुछ बड़े लोग होंगे उनके सामने मसले को पेश, ऐसे कोई नहीं है ऐसा फैमिली वगैरह कोई नहीं है, तो बहरहाल देखिए वो सिर्फ मियां बीवी आपस में मिलके फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में कई दफा ऐसा होगा या तो बीवी की तरफ से ज्यादती हो जाएगी या शौहर की तरफ से ज्यादती हो जाएगी, किसी ना किसी को आपको इन्वॉल्व करना होगा। जाहिर है वो औरत जहां रहती है या शौहर जहां रहता है वहां पे इस तरह का निजाम मौजूद है, तो जब उन लोगों ने निकाह किया है तो कानून और निजाम की तरफ वो रुजू करें, उसका हल कोई ना कोई मौजूद होगा। जहां औरत रहती है वहां कोई फैमिली नहीं है, लेकिन दूसरी देश में है, मोबाइल के थ्रू औरत के ऊपर जो क्या बोलते हैं बाय बाय साथ दिया उसमें, तो वो भी बाय साथ में नहीं है, बहन के साथ नहीं है। सो देखिए अपने देश में अपने खानदान के अगर कोई अगर फर्ज कीजिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, शौहर के खानदान का कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन लड़की के खानदान के कुछ बड़े लोग हैं उनके सामने वो अपना कजिया पेश करेगी, और वो गौर व फिक्र करके और कुछ और बड़े लोगों को मिला करके साथ में, और फिर उस शौहर से कांटेक्ट करेंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी नहीं राजी होगा तो वो सारे लोग मिलके फैसला कर देंगे कि निकाह को खत्म किया जा रहा है। लेकिन देखिए ये जो मोबाइल से निकाह का मसला है, मोबाइल से निकाह का जो मसला है, उसमें मैंने इतने मुहतात अंदाज में गुफ्तगू इसीलिए की थी कि इसमें इसी तरह की कई सारी खराबियां लाजिम आती हैं, इसलिए गरचे जवाज की हद तक वो जायज है अगर मुहतात अंदाज में किया जाए, लेकिन आदमी को इन तरीकों से बचना चाहिए जिनमें बाद में इस तरह की खराबियां लाजिम आती हैं। अब आप देखिए एक मसला आपके सामने ही आ गया। अच्छा, निकाह किया था ऑनलाइन लोगों ने, तो कुछ लोगों को तो इन्वॉल्व किए रहे होंगे ना फोन में ही कम से कम। जाहिर है किसी ना किसी का ऐलान निकाह के लिए, बिल्कुल वली रहा होगा, गवाह रहे होंगे, वो मोबाइल में रहा है जैसे वीडियो कॉल में ऐसे। हाँ शेख, मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि उन्होंने कहा मतलब वली भी निकाह जो कराया इनका वो वीडियो कॉल में रहा या फोन पे रहा, तो इसी तरह से तलाक या खुला लेने में भी ऐसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे जब मजबूरी है, अगर कोई रास्ता नहीं बन रहा है तो इसी तरह की कोई सूरत इख्तियार करेंगे कि दूसरे जो भी बड़े लोग हैं आपके उनको इन्वॉल्व करके आप उसका फैसला करवाइए। शेख शायद ये जो मुस्लिमा थे ये मेरे बीवी है, ये मुझसे ही खुला की मुतालबा कर रहे थे, तो शायद इसको पता नहीं कि आपने जो माकूल उजर बोला ना, शायद इसको समझ नहीं आया, जरा खुल कर बोल दे तो। बिला उजर मतलब कोई भी ऐसी उजर शरी उजर ना हो तो खुला नहीं ले सकते, इसको ये शायद मालूम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, सुनिए मेरी बात। ये मसला उस औरत का है
कि क्या वो किसी माकूल उज्र की बुनियाद पर खुला का मुतालबा कर रही है या बिला सबब मुतालबा कर रही है। अगर वो बिला सबब मुतालबा कर रही है तो गुनहगार होगी, लेकिन क्या खुला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुला हो जाएगा, वो गुनहगार होगी, ये मसला अलग है। उसके उसके लिए दुरुस्त नहीं है ऐसा करना, ये मसला अलग है, लेकिन क्या खुला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुला हो जाएगा। और एक ऐसी औरत जो आपसे जान छुड़ाना चाहती है, आप कब तक जो है उसके साथ रह सकते हैं? तो ये उसका मसला है कि वो उसको समझना चाहिए कि बगैर उज्र के ले रही है। अब जाहिर है मुझे नहीं मालूम कि क्या मसाइल हैं या असबाब क्या हैं कि मैं उसमें बता सकूं कि उज्र है कि नहीं है। लेकिन अगर रुक रहा हूं, जी अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर ज्वाइन करें तो मैं उनको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। वो दोनों लोग अगर हमारे पास कुरान का वक्त तो बिल्कुल नहीं है, अगर वो ऐड होती हैं तो मैं उनको ऐड कर दूंगा इस मसले को हल करने के लिए। जी जी शुक्रिया शेख हाशिम साहब, मैं तो यही चाह रहा था, एक बात है, मैं सवाल भी करना चाह रहा था कि इसे ऐड करें। कोई बात नहीं, अभी वो है नहीं यहाँ पे, तो आपके आपके मसले का जवाब शेख दे रहे हैं, उसको सुनने की कोशिश करें। तो देखिए जैसे उज्र क्या हो सकता है, जैसे उज्र ये हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे वो शौहर जो है उसका नानो नफका नहीं दे रहा है, उसका जो जो भी उसकी जरूरियात हैं उनका ख्याल नहीं रख रहा है, या वो शौहर उसके बीवी के जो भी हुकूक हैं वो अदा नहीं कर रहा है, बीवी के साथ ज्यादती कर रहा है, शौहर बेनमाजी है, शौहर बददीन है, बीवी के समझाने के बाद भी वो चीज वो जो है नहीं मान रहा है, ये सारे उज्र हो सकते हैं। अब अगर बीवी कोई ऐसी चीज मांग रही है जो उसके लिए मांगना दुरुस्त ही नहीं है, शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है और उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम यहां नहीं कहेंगे कि वो जो है माकूल उज्र है। तो जब अच्छा, ये मसला सामने जी एक बात और जिक्र कर रहा हूँ, इसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। एक उज्र ये भी हो सकता है, क्या मतलब आपसे सवाल कर रहा हूँ कि शौहर अरब कंट्रीज में या किसी दूसरे कंट्री में है और बीवी किसी दूसरे कंट्री में, और उसका ये मुतालबा है कि हमारे साथ रहो। बिल्कुल ये उज्र है, ये बिल्कुल उज्र है। बीवी को हक है इस बात का मुतालबा करने का कि आप इतने इतने दिनों तक दूर मत रहो, आप मेरे पास रहो, उसको इस बात ये मुतालबा करने का हक है बिल्कुल। अगर इस उज्र की बुनियाद पर वो शौहर नहीं मान रहा है और कह रही है फिर तो मुझे खुला चाहिए, तो उसे हक है। जी जी हाफिज मोहम्मद नूर भाई बताएं। जी शेख, मैं तो अभी उसको मैं खुला नहीं अभी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं दूंगा, मैंने बोला दूंगा, वो समझे थोड़ा, क्योंकि वो मतलब जल्दबाजी करते हैं बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ना समझ है, अभी भी गुस्सा बहुत ज्यादा आते हैं उनको, तो मैं चाह रहा था वो समझे। एक बात है कि मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दीन के बारे में मालूम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही राह पे चलता हूँ। मैं खुद उनको यहाँ लाया था आई प्लस टीवी में, मतलब यहाँ उलमा से जुड़वाया, क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सवाल करते, इसलिए तो मैं बड़े उलमा के पास लाया, क्योंकि मैं खुद हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन तो मैं यहाँ लाया उनको कि यहाँ से सीखे वो, कि यहाँ से जाने के बाद वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन का मसला होता है, यहाँ तो सवाल की जवाब दिया जाता है, कि मैं बाद में बोलता हूँ ये शेखैन इसलिए बोलता है कि तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है इन सवालों के बारे में, मैं तुम्हें और खुल के बोल रहा हूँ ये, तो वो मतलब उठ जाते हैं कि तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम ये कह रहे हो, तुम मतलब यही वजूहत है बस छोटे मोटे। भाई देखिए नूर भाई, मैं बतौर फतवा नहीं बतौर नसीहत एक बात कहूंगा आप दोनों को, अगर वो भी सुन रही है मेरी आवाज तो वो नसीहत, बल्कि हर जोड़े को, कि अगर इस तरह का इख्तलाफ पैदा हो रहा है और तलाक देना ही है या खुला लेना ही है तो जल्दबाजी मत करें, टेक योर टाइम जो कहते हैं ना, थोड़ा सा अपना वक्त लें, और भाई जब तलाक देना ही है, तलाक कहीं भागा जा रहा है? तलाक भाग तो नहीं जाएगा, अगर आखिर में भी मतलब बहुत सोचने समझने दो चार महीने के बाद भी लगेगा कि नहीं भाई देना ही है तो ठीक है दे देना, लेकिन जब ख्याल आए उसी वक्त फौरन नहीं वो काम करना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो इख्तलाफ का मसला था, अज़वाज मुतहरात ने
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिद किया कि हमें खर्चा ज्यादा चाहिए ऐसा ऐसा, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा गुजरा। फिर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि अजवाज मुतहरात को कह दो कि क्या तुम्हें दुनिया चाहिए, अगर दुनिया चाहिए तो जो है अलग हो जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, और अगर आखरत चाहिए तो सब्र करो, तुम्हें तुम्हारे लिए आखरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से आपने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, देखो उसमें जल्दबाजी मत करना फैसला करने में। यानी बात बताने से पहले आपने कहा कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसमें खुद से फौरन फैसला मत करना, इसलिए कि आपको मालूम था कि कम उम्र है, कहीं ऐसा ना हो अचानक हो जल्दबाजी में बोल दे कि हाँ मुझे जो है नानो नफका ही ज्यादा चाहिए, मुझे दुनिया ही चाहिए। आपने कहा पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, फिर कोई फैसला लेना। अब वो बात ऐसी ऐसी है, तो हजरत आयशा जो कि बहुत जहीन और फतीन और उम्मातुल मोमिनीन में जिनका मकाम है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या समझते हैं कि मैं जो है ऐसा ऐसा फैसला करूंगी, मैं आखरत को इख्तियार कर रही हूँ, मैं आपको इख्तियार कर रही हूँ। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। तो लिहाजा इस तरह का जब भी मसला आए तो टाइम लेना चाहिए, अगर तलाक आखिर में देना ही है तो तलाक कहीं भाग नहीं जाएगी, वो मौजूद है उसका ऑप्शन आपके पास। और जब आखिर में आपको लगे कि नहीं मतलब किसी भी तरह से गुजारा होने वाला नहीं है, तो ऐसा ना हो आप इतना इनकार ना करें कि उस औरत पर ज्यादती हो जाए, आप उसका रास्ता छोड़ दें, लेकिन उससे पहले आप दोनों ठंडे मिजाज से गौर कर लें, एक दूसरे मशवरा कर लें अपने जो खैरखा दोस्त अहबाब हूं से, सारे मतलब सारे रास्ते इख्तियार करके जब कोई रास्ता नहीं बचे फिर उस ऑप्शन पर जाना चाहिए।